तो फ्रेंड्स, इलेक्शन आ रहा है और हम सबको पता है कि इलेक्शन में चाहिए रहता है वोटर आईडी कार्ड। और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं घूम गया है या फिर कहीं आपसे मिसप्लेस हो गया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ आपका कौन सा है और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं comparaja.in यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है वो एप्लीकेशन जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। यहाँ पे इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपना वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिलियन प्लस इसका यहाँ पे डाउनलोड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही में 4.2 इसका रेटिंग है। ये बेसिकली गवर्नमेंट पोर्टल यहाँ पे वेबसाइट है, ये एक प्राइवेट नहीं है, यानी कि आपका जो भी आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा वो इसमें सेफ रहेगा। तो क्विकली मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़र इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत सारे चीज़ें इसमें दिया गया है, यहाँ पे फॉर्म्स, कंप्लेंट, ईवीएम, यहाँ पे इलेक्शंस, यहाँ पे कैंडिडेट, यहाँ पे रिजल्ट, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो होम, वोटर सर्विसेज, वोटर एजुकेशन, इलेक्शन, कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टीज, ईवीएम, मतलब आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। अदर देन आपको यहाँ पे बोल सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड के अलावा आपके यहाँ से कौन सा बोल सकते हैं कि पार्टी का मेंबर यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, आप उसका हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, उसका डेटाबेस यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू जान सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा हैंडी एप्लीकेशन यहाँ पे मिलता है। हम बात करते हैं कि कैसे आप पहले तो देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे से कौन यहाँ पे खड़ा हुआ है या फिर आपके यहाँ से कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पे देख लीजिए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट, यहाँ पे ऊपर सर्च आ रहा है, तो सर्च में सपोज कर लीजिए आपको उसका नाम पता है कि क्या है उसका नाम, तो बस सिंपली आप उसको उसका नाम टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए ओपन हो गया। उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा उनका इन्फॉर्मेशन, नाम, पार्टी, यहाँ पे एज, जेंडर, यहाँ पे स्टेट, एड्रेस भी यहाँ पे आएगा। साथ ही में नीचे एफिडेविट भी आता रहता है कि उन्होंने जब भी नामांकन किया, जब भी अपना नाम डाला इलेक्शन में, तो एफिडेविट भी उन्होंने जो डाला है वो भी आपको दिखाई दे देगा। तो ये बहुत ही अच्छा कूल ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अब वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली सर्च बाय नेम इन इलेक्ट्रोल पोल करना है। और यहाँ पे आपको अपना सर्च बाय, दो ऑप्शन मिलता है बेसिकली, सर्च बाय डिटेल्स और सर्च बाय एपिक नंबर। तो यहाँ पे सर्च बाय डिटेल में आप जो भी इन्फॉर्मेशन अपना पुट करेंगे तो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, यानी कि इन्फॉर्मेशन के मदद से जितने नाम के सेम नाम के आता है तो उतना ऑप्शन है आपको यहाँ पे शो होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरे पास एपिक नंबर भी है और यहाँ पे डिटेल्स भी है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार डिटेल्स डाल के देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम एपिक नंबर डाल के देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो ये देख लीजिए पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया है फ्रेंड्स। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा मतलब बोल सकते हैं कि रिजल्ट देगा, क्योंकि यार एक ही नाम सेम ही रहता है कभी कभी बहुत लोगों का, तो बट उस हिसाब से आप सर्च कर लेना कि आपका कौन सा है। तो ये देख लीजिए बहुत ही ईजी ऑप्शन था फ्रेंड्स, बस डिटेल्स डालो और आपका यहाँ पे वोटर आईडी आ गया है क्विकली सिंपली यहाँ पे बैठे बैठे। अब हम सर्च करेंगे फ्रेंड्स एपिक नंबर से। अब एपिक नंबर बेसिकली आपको बता देता हूँ, एपिक नंबर वो होता है जो आपके वोटर आईडी पे एक यूनिक नंबर रहता है। तो सिंपली आप उससे भी, अगर समझो आपके पास वो नंबर है बट आपका कार्ड हो गया और अब वो आपको नंबर याद है, तो सिंपली आपको एपिक नंबर में डाल के वो नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे वैसे यहाँ पे आपको पूरा का पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल गया है। तो ये भी बहुत ही कूल ऑप्शन यहाँ पे बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा देख लीजिए डिटेल मिल गया है। साथ ही में नीचे यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि अगर समझ जी आपको डिटेल मिल गया, अब आपको डाउनलोड करना है तो आप ईजिली तरीके से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। देख लीजिए बहुत ही ओवरऑल बहुत ही कूल एक अच्छा यहाँ पे फीचर है फ्रेंड्स आपके वोटर आईडी को यहाँ पे डाउनलोड करने का। और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन भी बता देता है कि आपका आपको कहाँ पे जाके वोट करना है, कौन से फ्लोर पे जाके वोट करना है। तो बहुत ही एक अच्छा हैंडी यहाँ पे फ्रेंड्स फीचर है इस एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, बहुत ही अच्छा ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा जिसमें आप घर बैठे बैठे बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में अपना वोटर आईडी में नाम डालना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही में आपको कुछ कंप्लेंट करना है तो कंप्लेंट भी आप यहाँ पे जाके डाल सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बने रहिए comparaja.in यूट्यूब चैनल के साथ। comparaja की राजा की तरफ से आप लोगों को गुड बाय।